हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, सबको पता है, घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता है। और आज लॉकडाउन का है, 22 को हुआ था, 12वां दिन, आज लॉकडाउन का 12वां दिन है और आज है 5 तारीख। तो आई होप सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो गए। आई नो थोड़ा बोरिंग हो जाता है घर पर रहना, लेकिन अगर मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि मैं घर पे रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम रहता है। घर से बैठकर मैं सारे काम करता हूँ। सिर्फ ट्रैवलिंग को अगर हटा दो तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं वैसे भी लॉकडाउन रहता हूँ घर पे। कुछ चीज़ें जो मिस कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा वर्कआउट हो गया, जो मैं 2.5 घंटे 3 घंटे जाकर जिम में देता था, थोड़ा सा वर्कआउट करता था, अच्छा फील होता था, फील गुड फैक्टर आता था, वो नहीं हो पा रहा है। मेरे जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स थे वो मैंने अपलोड कर दिए थे, पिछले 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया, शिलोंग का, उससे पहले गुवाहाटी का। बहुत ही अच्छी ट्रिप थी, जाकर देखो, घर में खाली बैठे तो जाकर देख लो उन वीडियोस को। और अभी करने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने सोचा कि चलो लॉकडाउन के दौरान मैं अपना समय कैसे काटता हूँ घर पे, वही शेयर करता हूँ आपके साथ। आई होप अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो तो देख ही लेना, खाली बैठे हो घर पर देख लेना यार क्या जा रहा है। एंड गाइस, एक छोटी सी अपील है आप लोगों से, अगर हो सके तो अपने अपने घरों के बाहर यानी कि विंडो के बाहर जाकर एक पानी का बॉल रख दो और थोड़ा सा कुछ अनाज रख दो, क्योंकि इस वक्त बर्ड्स की हालत बहुत ख़राब है। लॉकडाउन की वजह से बाहर एक्टिविटीज़ वैसे भी बहुत कम हो गई हैं, तो इन लोगों का जो फूड का सोर्स था वो अब ना के बराबर हो गया है। तो अगर हो सके तो एक छोटा सा पानी का बॉल लो और कुछ अनाज के दाने लो और इसे अपनी विंडो के पास कहीं पर जगह मिले तो जाकर रख दो। मैं यहाँ नहीं रखूँगा, मैं बाहर वाली विंडो पर रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेट लगा हुआ है, कबूतरों की वजह से लगवाया था मैंने। नेचर को प्रिजर्व रखने में इनका भी एक अच्छा खासा रोल है, तो इनका ध्यान रखना हमारा काम है, तो ध्यान दो। और छोटी सी चीज़ें कोई भी कर सकता है। और आज 5 तारीख, तो हमारे पीएम साहब ने बोला है कि आज रात को 9:09 के लिए सब लोग अपने घर की लाइट्स को ऑफ करो और दिए, कैंडल या टॉर्च थोड़ी देर के लिए जलाओ, 9 मिनट के लिए बस, ज़्यादा नहीं। और मुझे लगता है कि ये एक तरह का सिंबल है जहाँ पर हम अपनी यूनिटी को शो कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं कि हम सब साथ में खड़े हुए हैं। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा कटता है, आ जाओ। और बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर पे करते हो, कहाँ पर एडिटिंग करते हो, कहाँ सेटअप है आपका। तो ये है भाई मेरा सेटअप, देख लो पीछे रखा हुआ है। फिलहाल अभी मैं देख रहा था स्पेशल ऑप्स, कल रात को मैंने पूरा निपटाया है। हॉटस्टार पे जो सीरीज़ पड़ी है पता होगा आप सबको भी, के मैंने उन्होंने काम किया गजब का, तो जाओ देखो, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। सॉफ्टवेयर ये है फाइनल कट प्रो एक्स, जिस पर मैं काम करता हूँ। आई नो आप लोग बार बार बोलते रहते हो एडिटिंग बड़ी अच्छी करते हो, एडिटिंग की टिप्स दो, तो डेफिनेटली मैंने सोचा हुआ एडिटिंग को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में बहुत जल्दी, थोड़ा डिटेलिंग में, क्योंकि एडिटिंग बड़ा डिटेल वाला सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छे से उसको ज़रा नज़ाकत के साथ अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो प्लान चल रहा है, वो एक वीडियो में बनाऊँगा। ये हमारे मामा जी हैं जो मम्मी के ऑपरेशन के लिए आए थे यहाँ पर, ये लेकिन बेचारे फंस गया लॉकडाउन की वजह से, ऑडियंस देख रही है आपको। हाय, ये एक्चुअली क्यों बना रहे हैं खाना ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। ऐसा नहीं कि मामा जी यहाँ पर खाना बनाने आए, ये मत समझना। बाहर से इस वक्त हम बुला नहीं सकते, ना किसी कुक को और फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुलाना था मुझे, पर मैंने इसीलिए नहीं बुलाया। मम्मी देखो क्या हालत हो गई इनकी, लेकिन ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, बहुत सारे लोगों को पता भी था, यूट्यूब स्टोरी में भी बताया था। पहले एक्सरसाइज करा लेते हैं मम्मी को, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। घर पे
कोई बाहर का आदमी ना आए इस समय, वही ज़्यादा बेटर है। तो बस घर के अंदर रहो और जो छोटे मोटे काम है, छोटे मोटे या मोटे जैसे भी काम है, अपने आप ही करो, ज़्यादा बेटर है। हाँ देखो मामा जी बोले टाइम भी पास हो जाता है। जाहिर सी बात है हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर के अंदर बैठ कर क्या क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर करो। अभी जैसे मैंने एक्सप्लोर किया है, ये मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत दिनों से यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं जिन्हें मैं हाथ नहीं लगाता था, तो ये कि शाम को थोड़ा बहुत टाइम जब मिलता है तो इनको भी मैं हाथ लगा रहा हूँ और वापस से रिवाइज़ कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मैं थिएटर के टाइम में किया करता था। तो यही सब करने के लिए आप लोग भी ऐसे कुछ ढूंढो इन 21 दिनों में, और क्या पता आगे भी 21 दिनों के बाद क्या होगा तो तभी पता चलेगा। ये देखो कितनी गोल रोटी बनाई है मामा जी ने, पतली और एकदम गोल, लाजवाब, बड़ी सही हॉस्पिटैलिटी हो रही है आजकल। ये जो पूरी दुनिया में एक रीसेट का बटन दबाए ना, उससे बहुत सारे फायदे तो हुए हैं। अभी पुराना वाला कल्चर लौट कर आना शुरू हो गया, जैसे होता था ना सब लोग घर पे एक साथ बैठकर खाना खाते थे, बहुत लोग खाना बनाना सीख गए, हमारे सेलिब्रिटी लोग बर्तन धोना सीख गए, जो पुराने तौर तरीके थे वो वापस से लोगों के अंदर आना शुरू हो गए। अब वो मजबूरी में है, डर की वजह से, किस वजह से है वो तो पता नहीं, वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन अगर वैक्सीन आ भी जाता है तो इस चीज़ को हमें अभी भी आगे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना, ज़रूरी नहीं है कि ये चला जाएगा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर अगर हमने ऐसी तरह गंदगी फैलाई, नेचर के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, तो फिर कोई नई बीमारी आ जाएगी। तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि हमें ये सब चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, हमारा प्लानेट है, हमारी धरती है, तो हमें संभालना खुद ही पड़ेगा। इस तरह विंडो पर मैं पता नहीं सालों से नहीं बैठा था, यहाँ पर बैठता था इतनी आवाज़ आती थी, बसें, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, पौँच चैं चालू रहता था, लेकिन अभी सुबह से शाम तक यहाँ इतना सन्नाटा, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता ना, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ विंडो पे बैठ के। तो अभी रात के बज रहे हैं 8:30, और जिस चीज़ का इंतज़ार था 9 बजे आज जो एक्टिविटी होने वाली है, तो वो टाइम आ गया है 9 बजे, थोड़ी देर में बत्तियाँ बंद हो जाएंगी और देखते हैं जो छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है पावर ऑफ यूनिटी को देखने का हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, किस हद तक कारगर होता है, कौन कौन आता है साथ देने के लिए, लेट्स सी। मैंने अपना टॉर्च चला लिया है, थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ कर दूंगा मैं घर की, और मैं जाऊंगा टेरेस पे और देखते हैं कौन कौन साथ देने आता है। चलो नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृगहो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण,
मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप बिकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्रीय का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाहन प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायल शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। बस ये पुराने समय में मैं पढ़ा करता था, आज फिर से लग गई किताब मेरे हाथ में। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही एपिक पोइट्री है ये, महाकाव्य जिसको बोलते हैं। ये वो है, ये एक्चुअली महाभारत का एक सिनारियो था जो मैं आपको सुना रहा था। भगवान कृष्ण की चेतावनी जो उन्होंने कौरवों को दी थी, दुर्योधन और कौरवों को जाकर उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश करी तो तुम्हारा ये हश्र होगा। तो भगवान जब नाराज़ हो जाते हैं ना, तो वैसे ही कुछ होता है। अब ऊपर वाला जैसे आजकल नाराज़ हो गया है, परेशान हो गए हैं सारे के सारे लोग, पूरी दुनिया भर के लोग परेशान हैं। जो कुछ किए होंगे कर्म हम लोगों ने, अच्छे बुरे जो भी होंगे, अब थोड़ा भुगतना तो पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ है, भगवान जब नाराज़ हो जाता है तो सब कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना, फिर उसको संभाल पाना आपके बस में नहीं होता। जब वो चाहेगा ऊपर वाला, तभी सारी चीज़ें वापस सेटल हो जाएंगी। और आज के दिन 5 तारीख को जो हमारे पीएम साहब ने हम सबसे अपील की थी, मेरा ये मानना है कि इस चीज़ के पीछे अगर आप कारण ढूंढने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि ये क्यों कराया, इससे क्या होने वाला है, तो ये आर्ग्यूमेंट वाली बातें हो जाएंगी और इसका कुछ हल नहीं निकलता है। मुद्दे वाली बात ये है कि जब एक साथ एक जैसी सोच रखकर, एक जैसी पॉजिटिव सोच रखकर कोई भी काम अगर किया जाता है, तो उसका जो आउटपुट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अब जैसे ये हुआ, या उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि अपने घर से आप बाहर निकलिए और तालियां बजाइए, थाली बजाइए, शंख बजाइए। एक ग्रैटिट्यूड था उन लोगों के लिए, जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ वर्कर अपनी जान पर खेल कर काम कर रहे हैं। वो लोग थोड़ी देर के लिए भी अगर ऐसा मोमेंट आता है जहां सबके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है इसमें, किसी का कुछ जा नहीं रहा है। और वैसे कुछ आज भी हुआ कि ये लाइट्स जलाई गई, ये दिए जलाए गए, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हुई हम सब के बीच में, इस समय जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक यूनिटी दिखती है, एक साथ दिखता है कि हम सब लोग साथ में खड़े हुए हैं इस सिचुएशन में, जिस समय देश की, इवन पूरी दुनिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बस यही है, ऐसे ही पॉजिटिव बने रहो, घर के अंदर और थोड़े दिन रुके रहो, और आई होप सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे जैसे और भी लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, वो वापस से ट्रैवल कर पाएंगे और अच्छे वीडियोस बना पाएंगे आप लोगों के लिए, अपने लिए। सबकी लाइफस्टाइल पहले जैसी हो जाएगी और ये चीज़ बहुत कुछ सिखा कर जाएगी हम सभी लोगों को। आगे कुछ फिर से ऐसा ना हो हम लोगों की वजह से, इस बात का ध्यान हम रखेंगे। तो बस आज के वीडियो में दिखाने के लिए इतना ही कुछ था। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हर बार की तरह से लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अभी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।